प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन उसकी बात करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल रीड अबाउट द टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। अब देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में सबसे पहले आती है ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर टू नंबर्स हैं वो सेम हैं, अगर उनका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो भी उनकी जो सम है वो सेम रहती है, चेंज नहीं होती है। आप एग्जांपल दे रखा 8, 1349 एंड 4511 जो है उनको ऐड करना है और अपने आंसर को चेक करना है बाय यूजिंग ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो है उसको यूज़ करते हुए हमें इस एग्जांपल को सॉल्व करना है। तो देखिए, ये दे रखा है 1349 और ये दे रखा है 4511, दोनों को प्लस किया तो आंसर आ गया 5860। अब हमने क्या किया, इस 4511 को ऊपर लिख दिया और 1349 को नीचे लिख दिया, मतलब हमने क्या किया, इन दोनों का ऑर्डर चेंज कर दिया, तो भी आपका जो आंसर है वो 5860 ही आया। तो ये आपकी ऑर्डर प्रॉपर्टी हो गई। तो ऑर्डर प्रॉपर्टी जो है वो आपके एडिशन के आंसर चेक करने के लिए भी यूज़ में ले सकते हैं। तो ये जो आपका ऑर्डर प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है ना, क्योंकि इनका जो सम है टोटल वो सेम रहता है भले हम इनका ऑर्डर भी चेंज कर दें तो भी। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं एडिशन की, सेकंड प्रॉपर्टी ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है थ्री और उससे भी ज़्यादा नंबर्स हैं, अगर उनकी टोटल देखी जाए तो भी वो चेंज नहीं होती है भले ग्रुप चेंज हो जाए उनका तो भी। जैसे फाइंड द सम ऑफ 525, 246 और 342 बाय ग्रुपिंग देम इन डिफरेंट वेज, डिफरेंट तरीके से इनकी ग्रुपिंग करके हमें इनको ऐड करना है। तो सबसे पहले देखिए, इन दोनों का ग्रुप फर्स्ट बना लिया, जैसे ये बना लिया, अब इनको ऐड किया हमने तो इनकी ऐड करने पर सम कितनी आई 340, इनकी जो सम होगी उसमें हमें 342 को ऐड करना है, तो इन दोनों की सम कितनी आई 771। अब इस 771 में 342 को हमने प्लस कर दिया तो 1113 आंसर आ गया। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं। दूसरी ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में हमने क्या किया, 525 को लिया और 342 को लिया और इनकी सम में 246 को ऐड किया हमने, तो 525 और 342 को ऐड करने पर 867 आए। इसमें हमने 246 को ऐड कर दिया तो भी आंसर ये और ये दोनों सेम ही आए, तो इसको ग्रुपिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। अब देखिए, ये देखिए इसमें कैसे किया, 525 प्लस 246 को एक ब्रैकेट में ले लिया अलग से, 342 को अलग रखा। इसी तरह से अनदर ग्रुपिंग में 525 और 342 को ले लिया और इस 246 को बाहर रखा, तो भी आंसर जो है वो दोनों का सेम ही आया। तो ये कह रहा है कि जो सम है इनकी टोटल जो है वो चेंज नहीं होती है भले इनके अलग अलग ग्रुप भी कर दिए जाएं। तो इस तरह से इसको क्या कहते हैं, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का मतलब होता है कि अगर किसी भी नंबर में हम जीरो को ऐड करते हैं तो वही सम व वही नंबर्स वापस आते हैं। जैसे ज्ञान पैक्ड 1050 स्टील वॉशर इन वन कार्टून, इसने क्या किया, वन कार्टून में 1050 जो स्टील वॉशर से वो एक कार्टून में पैक किए और अनदर कार्टून जो वो एम्प्टी, मतलब उसमें कुछ भी नहीं, जीरो। तो हाउ मेनी टोटल स्टील वॉशर्स आर पैक्ड इन बोथ द कार्टून्स, दोनों में कितने पैक किए गए, तो दोनों में एक में जीरो है दूसरे में 1050 है, तो आंसर आपका 1050 आएगा क्योंकि 1050 में जीरो ऐड करेंगे तो यही वापस आ जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ जीरो कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये इसमें सॉल्यूशन दे रखा है, ये 1050 प्लस जीरो तो वही आ गया, उल्टा कर दिया तो भी वही आया। प्रॉपर्टी ऑफ वन की बात करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ वन का मतलब होता है कि अगर किसी भी नंबर में वन ऐड कर दिया जाए तो वो उसका सक्सेसर बन जाता है, सक्सेसर और प्रीडिसेसर। सक्सेसर का मतलब अगली, नेक्स्ट नंबर। अब जैसे राइट द सक्सेसर ऑफ
1899, तो इसमें प्लस वन कर दीजिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सो 1900 इज़ द सक्सेसर ऑफ 1899। चलिए अब एक्सरसाइज 2F को हम देख लेते हैं। ये है आपके फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें क्या करना है कि इनकी प्रॉपर्टी जो बतानी है देख करके वो यहाँ आगे लिखनी है। तो सबसे पहले आपका 2530 4840 इज इक्वल टू 4884 और 2530। दोनों को हमने देखा तो दोनों को देखने पर हमें पता चला कि जो सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी है वो इसमें आंसर के रूप में आएगी। तो सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी क्या है, हम उसको वापस से देखते हैं। तो चलिए, ये आपकी प्रॉपर्टी है ऑर्डर प्रॉपर्टी। कौन सी वाली? ऑर्डर प्रॉपर्टी। तो यहाँ जो आपका आंसर आ गया वो क्या हो गया? ऑर्डर प्रॉपर्टी, ORDER, ऑर्डर प्रॉपर्टी। चलिए ये देखिए, इसमें क्या किया, 348 और 249 को प्लस करने के लिए एक ग्रुप में रख लिया और 654 को अलग ग्रुप में रखा। फिर इसमें से क्या किया, नेक्स्ट वाले में 249 और 654 को एक ग्रुप में रखा और 348 को बिल्कुल बाहर रख दिया ब्रैकेट से। तो ये आपके कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? ये आपके ग्रुपिंग प्रॉपर्टी हो गई, GROUPING, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इसमें ज़ीरो है और इसमें भी ज़ीरो है, तो ये भी आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, PROPERTY, प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी? ज़ीरो वाली प्रॉपर्टी हो गई। चलिए नेक्स्ट, ये भी आपकी ग्रुपिंग प्रॉपर्टी है, देख लीजिए। ये देखिए अलग अलग, इसमें पहले 3101 और 1234 को एक बॉक्स में रखा, फिर इसमें नेक्स्ट वाले में क्या किया, इन दोनों को बॉक्स में रखा, फिर लास्ट वाले में इसको और इसको बॉक्स में रखा और इसको अलग रखा। तो ये आपकी कौन सी? वही ग्रुपिंग प्रॉपर्टी जो अभी हमने देखी, GROUPING, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी इसमें भी। और ये जो है वो है 999 + 1 = 1000, सो 1000 इज़ द सक्सेसर ऑफ 999। तो इसमें जो है आपकी प्रॉपर्टी अभी हमने देखी प्रॉपर्टी ऑफ वन, ये आपका आंसर हो गया प्रॉपर्टी ऑफ वन, ये आपका PROPERTY प्रॉपर्टी ऑफ वन। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई।